नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी। आज है 4 जनवरी और आप देख रहे हैं एमसूड़वा एग्रो एक्सपोर्ट का डिजिटल पेज। निर्यात की बात करें तो बांग्लादेश और श्रीलंका में लगातार निर्यात अब ज़्यादा किया जा रहा है। सिंगापुर और मलेशिया की तरफ से भी मीडियम साइज की डिमांड बढ़ने लगी है। दुबई के बाजारों में भी भाव स्थिर होने के कारण निर्यात भी थोड़ा सामान है। अब आइए जानते हैं लासलगांव प्याज मंडी के भाव और आपके। एकदम सुपर क्वालिटी की बात करें जो कि अरब, सिंगापुर, यूरोप जैसे देशों में निर्यात किया जाता है, तो सुबह की शुरुआती नीलामी में 2500 तक नीलाम किया गया। वहीं सुपर क्वालिटी की बात करें जो कि दक्षिण भारत की तरफ ज़्यादातर सप्लाई किया जाता है, तो 2200 से 2400 तक देखने को मिली। वहीं पर मीडियम क्वालिटी की बात करें जो कि मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश जैसे देशों में निर्यात किया जाता है, वो 1900 से 2100 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिली। मीडियम मोटा प्याज की बात करें जो कि बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में ज्यादातर सप्लाई किया जाता है, उसका भाव 1600 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज की है। अगर हम बड़े साइज की हल्की क्वालिटी की प्याज की बात करें तो 1300 से 1600 तक इसका भाव देखने को मिला। चाटन माल जो ज्यादातर लोकल मार्केट में ही सप्लाई किया जाता है, उसका भाव 1000 से 1200 तक नीलाम किया गया। अब बात करें तेजी मंदी की तो बाजार में आज कल के मुकाबले 200 रुपए प्रति क्विंटल तक तेजी देखने को मिल रही है। आवकों की बात करें तो लगभग 14000 क्विंटल की आवक सुबह तक देखी गई है। दूसरे राज्यों के भाव पर ध्यान दें तो बिहार, ओडिशा, बंगाल में लगभग 2400 से 2600 रुपए प्रति क्विंटल तक देखने को मिल रही है। वहीं साउथ की बात करें तो 2600 से 3000 तक भाव देखा जा रहा। साउथ की कुछ मंडियों में भाव तेज देखा गया है। लाल प्याज का सीजन अभी अगले 2 महीने तक और चलेंगे, उसके बाद मार्च से नए प्याज मंडियों में आने लगेगी। तब तक बाजारों में भाव आवक और डिमांड पर चलते रहेंगे। लाल प्याज को लंबे अरसे तक स्टॉक नहीं कर सकते। अलवर की प्याज अब लगभग अगले 15 दिनों के बाद खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएगी, जिसके बाद भाव में थोड़ा सा उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी भारत के ज्यादातर राज्यों में ठंड काफी अधिक है, जिस वजह से प्याज की खपत कम हो रही है।